डाले क्लास है 8 जून 1968। तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म शांत, इसलिए ओम शांति डबल, क्योंकि बाप का भी स्वधर्म शांत, वहां बच्चे शांति में रहते हैं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं, परंतु वहां रहने वाला बाप सदैव ही पावन है। बाकी तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो पुनर्जन्म लेकर के पवित्र बनती है। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपन को आत्मा समझो, आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उनकी ही महिमा है और वो सभी का बाप है, सर्व की सदगति दाता है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक लग जाता है, और बाप से वर्षा क्या मिलता है बच्चे जानते हैं, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। क्यों? क्योंकि बाप सदा पवित्र होने से सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है। जो सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला है वही बाप स्वयं स्थिति की ताकत से स्वर्ग स्थापन करता है, तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देगा, और स्वर्ग का वर्षा देंगे भी जरूर नरक में। क्यों? स्वर्ग में नहीं देते हैं? नहीं, नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि स्वर्ग में तो वो जाते ही नहीं, वो आते ही कहाँ हैं? नरक में आते हैं, नरक में ही आकर के स्वर्ग का वर्षा नरक में देते हैं। तो स्वर्ग का वर्षा दिया है बाप ने और नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सभी नरकवासी हैं, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। तो इस दुनिया में नरक भी और स्वर्ग भी, पहले दुनिया नई तो स्वर्ग और पुरानी होती है तो नरक। ये बातें कौन सुनती है? आत्मा सुनती है। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा ही करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं कि शरीर सब कुछ करता है। अभी हम समझते हैं हमारा स्वधर्म शांत है, परंतु ये भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा है जिसका स्वधर्म शांत है, रहने वाले भी शांति धाम के हैं, परंतु ये बात कोई जानते नहीं है। इतने बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी नहीं जानते। ये भी समझाना चाहिए, सच खंड ही फिर झूठ खंड बन जाता है, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। भारत स्वर्ग सच खंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड बनता है। तो ये कॉमन बात है,
इस बात को मनुष्य समझते क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्यों की आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। परंतु ऐसी पत्थर बुद्धि बने कैसे? नरक में गोता खाते खाते और फिर दूसरा ग्लानी की है बाप की, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, वो ही फिर पुजारी बनकर की गाली देने लग पड़ते। परंतु इसमें भी कोई दोष नहीं है किसी का। बाप बच्चों को समझाते हैं ये ड्रामा बना बनाया हुआ है। कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने, वो बाप समझाते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए। ये शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के लिए बनाए। शास्त्र ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का कोई शास्त्र है नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर के बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद पाने के लिए। तो जो नॉलेज देते हैं उसका शास्त्र बनता ही नहीं। बाप तो पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाद में ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सत्युग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है 21 जन्मों के लिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है आधा कल्प के लिए, फिर पीछे रावण का वर्षा मिलता है, वो है अल्पकाल के लिए। उस अल्पकाल के सुख को सन्यासी लोग कागविष्ठा समान सुख कहते हैं। अब कागविष्ठा समान सुख क्या होता है वो भी तुम जानते हो। कुछ भी नहीं, इनका नाम ही है दुखधाम। कलयुग के पहले है द्वापर। कलयुग को कहेंगे सेमी सुखधाम, दुखधाम। जैसे त्रेता है सेमी सुखधाम, ऐसे द्वापर है सेमी दुखधाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाप चढ़ाई चढ़ाते हैं। इस चक्र को फेरना जरूर है। दुनिया नई थी, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए देखा दिखाते हैं कि शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां हिंसा आदि की बात ही नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता कहा जाता है। यहां तो इस दुनिया में हिंसा है, और पहले पहले हिंसा करते हैं काम कटारी चलाने की। सत्य को मैं तो जानते हो, भिखारी होते ही नहीं। उनकी तो महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। उस दुनिया के लिए भी कहते हैं वाइसलैंड वर्ल्ड, पवित्र नई दुनिया को, अपवित्र पुरानी दुनिया को कहा जाता है। ये कलयुग है, आयरन एज वर्ल्ड है, इनको कोई गोल्डन एज वर्ल्ड नहीं कहेंगे। आयरन एज पत्थर बुद्धि विशिष्ट है, उनका ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। विशेष से वाइसलेस, वाइसलेस से विशेष बनते, नाटक बना हुआ है। सत्युग है, शिवालय, वहां सभी होते हैं पावन। उन पावन देवी देवताओं के चित्र भी हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का चित्र भी है। क्या कौन सा चित्र है? बीके वालों ने कौन सा बनाया? शिवालय बनाने वाला शिव बाबा का चित्र कौन सा बनाया? निराकार।
बिंदु बिंदी शिवलिंग और चारों तरफ किरणें दिखाई दी, देवी गुणों की किरणें दिखाई दी। अब गुण अवगुण साकार में होते हैं या बिंदी में होते हैं? साकार। बिंदी को तो निर्गुण निराकार कहा जाता है, वो बिंदी कैसे पुदुक पुदुक के स्वर्ग बनाएगी? अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों ने शिव बाबा का चित्र बनाया, भक्ति मार्ग में उनके अनेक नाम दे दिए हैं, मेरी तो बिंदी का एक ही नाम है, क्या शिव? वो तो कभी बदलता नहीं है, परंतु अनेक नाम किस आधार पर हो जाते हैं? जब जब जैसे जैसे काम किए हैं वैसे वैसे उनके अनेक नाम दे दिए हैं। तो अनेक नाम शरीर के ऊपर हैं या बिंदी के ऊपर हैं? और जितने भी अनेक नाम वो शरीर के ऊपर हैं। वास्तव में नाम तो है एक ही शिव, परंतु उनको अपना शरीर है नहीं। खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए आना पड़ता है, मुझे आकर के तुम्हारी सर्विस करनी पड़ती है, तुम ही मुझे बुलाते हो पतित पावन आओ। जरूर पतित दुनिया में ही बुलाते हो, सत्युग में नहीं बुलाते। इस समय मनुष्य बहुत बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है, 868 की वाणी का दूसरा पेज। फिर आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है, कब? जब महाभारत लड़ाई पूरी होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूं। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि हो हैं ही नहीं, अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। राजाई सारी ही चट्ट हो गई, जो राजाई बाप ने आकर स्थापन की थी वो रावण ने सारी राजाई चट्ट कर दी। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, अनलॉफुल इल रिलीजियस इंसॉल्वेंट राज्य, या अनलॉफुल, इसमें कोई कायदा कानून नहीं। चलता ही नहीं। इल रिलीजियस कहते भी है धर्म निरपेक्ष राज्य। कैसा राज्य? हमें धर्म की अपेक्षा है ही नहीं। इंसॉल्वेंट राज्य, भीख मांगते रहते। बच्चे समझाते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल थे, नई दुनिया थी, नई से फिर पुरानी बन गई। हर चीज नई से पुरानी होती है, जैसे मकान बनाते हैं फिर आखिरी नायु कम होती जाएगी, कहा जाएगा ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है। तो हर एक चीज सतो रजो तमो होती है, सारी दुनिया भी ऐसे ही सतो रजो तमो में आती है। भगवान वाचे ना, भगवान माना ही भगवान। भगवान किसको कहा जाता है ये भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। अब कोई राजा रानी तो है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर्स। सतयुग में तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होती है, फर्क भी बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों का मिनिस्टर से एडवाइजर नहीं होता है, क्यों? जरूरत नहीं होती, उनको दरकार ही नहीं है कोई से एडवाइस लेने की। इस समय वो शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर रहे हैं, वो ताकत मिलती है और वो पद ले लेते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है
जिससे फिर दोनों ने ऊंच पद पाया, फिर कोई से राय लेंगे ही नहीं। यहाँ तो देखो कितने वजीर होते, अपना अकल नहीं है तो वजीरों से अकल लेते रहते हैं, वहां तो वजीर होते ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, कौन देवताएं, उस समय विकारों में जाने के कारण उनका अकल ही चट्ट हो जाता है। तो मूल बात विकार की है और देह अभिमान से ही विकार होता है, उनमें काम है नंबर वन विकार। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझा है अपन को, आत्मा समझो, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है। सतयुग में तो कूटने की बात ही नहीं, वहां तो है ही सुख धाम। बाप अगर तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम का वासी बनाते, बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, इनडायरेक्ट कैसे बात की जाती है, दूसरों के थ्रू, जो गुरु से उनके थ्रू डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं। माना जब तुम बच्चे आत्मा बन जाते हो, शूद्र थे, शूद्रों को तो ज्ञान ही नहीं होता आत्मा का, फिर तुमको परिचय दिया जाता है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, तुम प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, हम आत्मा ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु आत्मा का ध्यान करते करते तुम आत्मा रूपी सुई बिना कट वाली बन जाती है। जब सारी देवान की कट उतरती है बेसिकली, तब मैं डायरेक्ट बच्चों से बात करता हूँ। तो ये डायरेक्ट आत्माओं से बात है, सभी को कहते हैं कि सदैव आत्मा निश्चय बुद्धि बन करके बैठो, इस देवान को छोड़ दो। जानते हो ये देह विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, तो तुम अपन को सदैव आत्मा समझ कर बैठो। ये ज्ञान और कोई में नहीं है, ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान से तो सदगति होती है और भक्ति से तो 2000 साल क्या होता आया, और ही बुद्धि की दुर्गति होती आई, शरीर की भी दुर्गति हो गई। अर्थात भक्ति है ही दुर्गति कायदे अनुसार, क्योंकि ये है ही रावण राज्य, ये बातें कोई जानते ही नहीं है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पापात्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं आधा कल्प के लिए। वेद का वर्षा जो मिला था वो आधा कल्प का वर्षा पूरा हुआ, अभी फिर बाप आए हैं वर्षा देने के लिए, जिसमें पवित्रता सुख शांति सभी कुछ है। तुम बच्चे जानती हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है, अभी इस कब्रिस्तान से दिल हटा करके परिस्तानी नई दुनिया में दिल लगाओ तो अंत मते सुगति हो जाएगी, परिस्तान में चले जावेंगे। जैसे लौकिक बाप मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धियोग पुराने मकान से निकल जाता है, कहाँ लग जाता है, नए मकान में लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धियोग नया मकान जहाँ बन रहा है वहीं रहेगा, वो तो हद की बात है। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं, कहते हैं अभी पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ करके मुझे एक बाप को के साथ संबंध जोड़ो, तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने के लिए आया हूँ। अभी पुरानी दुनिया खलास होनी है, सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है,
ये पुराना झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान हो गया है ना, अभी फिर नया बनना है। तो बाप समझाते हैं ये नई बातें हैं, जैसे बीमारी में होपलेस हो जाते हैं, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे ये दुनिया भी क्या हो गई, होपलेस हो गई। क्या इस दुनिया से सुख की आशा रखना बेकार बात है। इसको कब्रिस्तान बनना ही है। तो ये है तुम्हारा बेहद का सन्यास, वो तो हठयोगी सन्यासी होते हैं, हट पूर्वक घरवार छोड़ते हैं, बुद्धि फिर भी वहीं जाती है, सिर्फ घरवार छोड़ करके चले जाते हैं, मन बुद्धि से याद करते रहते हैं। ये ज्ञान हठयोगी सन्यासियों के पास है ही नहीं। भक्ति मार्ग में माताएं बैठो ना हठयोगियों को गुरु करती, उनके पांव धो करके पीती। अभी सदगुरु और उन गुरुओं में कितना फर्क है। सदगुरु तो पूजा आदि कुछ भी नहीं कराते, ना पांव आदि पढ़ना सिखाते, ये तो कहते हैं हम भी ओबीडेंट सर्वेंट हूँ तुम्हारा, मैं बच्चों की सर्विस करने आया हूँ, मुझे बुलाया है बाबा, आप आओ, हम पतित बन गए हैं, हमको पावन बनाओ, निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम पतित दुखी बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ, कितना अच्छा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देखो है कैसा, 8-6-68 की वाणी का तीसरा पेज। अभी पतित बनाने वाला रावण सामने खड़ा है, उसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला जलाते हैं ना। जब से ये रावण राज्य आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है। कब से आया? द्वापर से आया, परंतु द्वापर में रावण भी सतो प्रधान था या तमो प्रधान था, तो ज्यादा दुख तो नहीं देता होगा, थोड़ा दुख देता था, तो उस समय पुतला बनाकर नहीं जलाते थे। कब से जलाने लगे? जब से कलयुग आया, बहुत दुख देने लगा तो जलाने लगे। सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। बिग मिला गोया समझते हैं, हमको अमृत का प्याला मिल गया। अभी बाप कहते हैं ये बिग छोड़ दो, ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुमने कितना बिग पिया है, बिग पीते पीते कितने दुखी हो गए हो, इतने मतवाले बन जाते हो जो बाप को भी बैठ गाली देते हो, और गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो, जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम सबसे जास्ती गालियां देते हो। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियों में जाता है, और मुझे तो कण कण में ठिककर भीतर में ठोक दिया, अपन से भी जास्ती मेरी दुर्गति कर दी। अपने से भी जास्ती मेरी दुर्गति कर दी। दुर्गति हो जाती है? नहीं होती। फिर क्यों कहा मेरी दुर्गति कर दी? बुद्धि खराब हो गई। ये भी ड्रामा है, तुमको हंसी गुड़ी में समझाते रहते। तुम्हारी दुर्गति इस बात से हुई कि तुमने बाप की निंदा कराई है, ठीक कर भीतर सब में ठोंक दिया है। तब फिर कहते हैं कच्छावतार मच्छावतार, तो गोया जानवरों का अवतार हो गया, जानवरों का अवतार हो गया तो कच्छ किसका बच्चा होगा,
मच्छी किसका बच्चा होगा? माना भगवान का बाप कौन हुआ? कच्छ मच्छी का बच्चा हो गया ना। कितनी गालियां देते हो बाप की, बाप को गाली देते गुप्त रीति। तब बाप कहते हैं जब जब भारत का ये हाल हो जाता है, वो लोग तो फिर भी समझदार हैं, वो तो कहते हैं ओ गॉड फादर हमको लिबरेट करो, गाइड बन करके ले चलो। सीधी बात कहते हैं, और भारतवासियों ने तो मिट्टी में ही मिलाई दी। भक्ति में 100% मैट चैप्स बन जाते हैं, भगवान को बैठ गाली देते हैं, और ऐसी गाली देते हैं जो कोई काम की नहीं। और गालियां भी तब देते हैं जब बहुत विकारी बनते हैं। इसलिए बाप समझाते रहते हैं भक्ति मार्ग में दुर्गति है, सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। अच्छे व बुरे लक्षण आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो ये भी अभी बाप ने समझाया। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर भी बाप आकर के उल्लू जो उल्टे लटक पड़े हैं उनको सुलटा बनाते हैं। उल्लू उल्टा लटकता है या चमगादड़ उल्टा लटकता है? चमगादड़ को उल्लू कह दिया, क्योंकि अपन को आत्मा की बदली शरीर समझ बैठे हैं, तो उल्टे हो गए। ये है भ्रष्टाचारी उल्लुओं की दुनिया, श्रेष्ठाचारी है अल्लाह की दुनिया। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों यहाँ तुम उल्टे हो करके न सुनो, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। उल्लू को थोड़े ही अल्लाह मिलता है, अभी तुमको अल्लाह मिला बाप मिला तो तुमको सुलटा बनाते हैं। रावण उल्टा बनाता है तो फिर सुलटा बनने से सीधे खड़े हो जाते हैं। ये भी एक नाटक है, ये ज्ञान बाप वही बैठ समझाते हैं, है ये ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। ज्ञान ज्ञान है, भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति है रात का मार्ग, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, ठोकरें खाते हैं, शास्त्रों आदि में सभी है, सभी में झूठी बातें कहते हैं। कैलाश में तालाब है, कौन सा तालाब? मानसरोवर, वहां फिर परियां रहती। कौन सी परियां? परियां रहती हैं, ज्ञानियों के पंखों से उड़ती रहती है। फिर कहते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी वास्तव में तुम अमर कथा सुन रहे हो? सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई होगी क्या? नहीं, तुम सब पार्वतियां, ये तो बेहद की बात है। अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक कलयुग को कहा जाता है। इस कलयुग को कांटों का जंगल कहा जाता है, और जंगल में रहते कौन है? जानवर ही रहते हैं, वो तो बाप को जानते ही नहीं। कहते हैं मुख से हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, परंतु जानते बिल्कुल नहीं। पहले तो तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर के सुलटा बनाया। भगवान को अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह पढ़ा करके अल्लाह ही पद देंगे, परंतु भगवान तो एक ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, हैं? किन लक्ष्मी नारायण को? ये तो पुनर्जन्म में आते हैं, फिर कौन से पुनर्जन्म में नहीं आते? कौन सा पुनर्जन्म? नहीं, निश्चय अनिश्चय के चक्र में लक्ष्मी नारायण संगम युगी नहीं आते हैं। जो सतयुग में जन्म लेने वाले हैं आत्माएं, वो तो यहाँ संगम युग में निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है ना। मैंने ही इनको पढ़ा करके दैवी गुण वाला देवता बनाया,
अभी तुम सभी ब्रदर्स हो, बाप के वर से के हकदार हो। सभी मनुष्य तो घोर अंधियारे में, आसुरी संप्रदाय गुरुओं ने घोर अंधियारे में डाला है। कहते हैं कलयुग तो आज बच्चा है, अभी तो कलयुग के बहुत वर्ष पड़े हुए, इतने भारी अज्ञान अंधेरे में सोए हुए, ये भी खेल है। सो जरा होता है तो दुख होता नहीं, ये भी तुम बच्चे समझते हो। और वो समझाते रहो, पहले पहले तो हरेक मनुष्य बाप का परिचय देवे, दो बाप तो हरेक को होते हैं ना, हद का बाप हद का सुख देते और बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने के लिए, नहीं तो क्यों मनाते हैं? और आते भी कब हैं? घोर अंधियारी रात्रि में आते हैं, जब घोर कलयुग होता है। अभी जो स्वर्ग पास्ट हो गया है वो फिर स्थापन हो रहा है। अभी ये दुनिया तमो प्रधान है, नरक है। ड्रामा अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो निराकार हूँ, मुझे निराकार को क्या चाहिए? मुख तो जरूर चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होनी है, नहीं तो ज्ञान कैसे सुनाऊं? बैल में या घोड़े में थोड़े ही आऊंगा। उन्होंने तो बैल दिखाई दिया है, शिव के मंदिर में क्या दिखाते हैं? बैल दिखाई देते हैं, घोड़े का अवतार दिखाई दिया है। अब घोड़े या बैल में तो आकर के ज्ञान नहीं सुनावेंगे। 8-6-68 की वाणी का चौथा पेज, मनुष्य मुख इनका लेता हूं, इनका रामकृष्ण की आत्माओं का मनुष्य मुख लेता हूं, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है उनमें प्रवेश करता हूं। तो तुमको देखना है कि पहले पहले कौन बिछुड़ करके पार्ट बजाने आते हैं, बताओ? सूर्यवंशी सतयुग में भी होते हैं, नहीं होते? फिर तो सतयुग के देवताएं पहले बिछुड़े हैं या संगम युग वाले पहले बिछुड़े हैं? सतयुग के देवता पहले बिछुड़े, जो संगम युग में जो ब्राह्मण बने सतयुग वालों से ऊंचे थे या नीचे थे? वो पहले बिछुड़े या सतयुग वाले पहले बिछुड़े? तो विचार करो, कौन पहले पहले बिछुड़कर पार्ट बजाने आते हैं? ये तो जानते हो कि पहले पहले नंबर में है श्री कृष्ण, परंतु वो विश्व का मालिक है। संगमयुगी कृष्ण ही विश्व का मालिक, सतयुग वाला तो नहीं। कहाँ का मालिक बनेगा? वो तो जब बड़ा हो, टाइटल मिले, तब विश्व का मालिक, वो सतयुग का मालिक बने। फिर 84 जन्म लेते लेते क्या आकर के बन जाते हैं। गावड़े का छोरा ये भी गाया हुआ है, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ये तो बुद्धू है, ये तो जरूर सुनी सुनाई बातें जानते हैं। और इस बुद्धू ने गुरु भी बहुत किए हुए, जब अंतिम जन्म में पूरा बुद्धू बन जाते हैं तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको पहले नंबर में लेकर के आता हूँ। इनके साथ तुम भी बुद्धू थे, Yeah.
ये विद्याएं बुद्धू ही बैठ करके पढ़ते हैं। अभी बाप समझाते हैं, जो ज्ञान मैं समझाता हूं वो तो बहुत सहज है, और सहज तब है जब सिर्फ मुझे बाप को याद करो। कठिन कब हो जाता है? जब और औरों को याद करने लग पड़ते तो कठिन हो जाता है। तुम जानते हो कि सिर्फ बाप की याद से मुझे स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। पहले नंबर में जो देवताएं थे वो ही पुनर्जन्म लेते लेते बिल्कुल बुद्धू बन जाते। ये भी खेल है, जो कुछ होता है वो फिर भी होगा। और है ये खेल बड़ा ही वंडरफुल अविनाशी। बाप ने ड्रामा का चक्कर समझाया है, बुद्धू बनना फिर विश्व का मालिक बनना, सांवरा बनना फिर बुरा बनना। श्याम और सुंदर भी लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते हैं। क्या कहा? लक्ष्मी नारायण तो सदैव सुंदर ही सुंदर हैं, या उनको श्याम सुंदर कहेंगे? वो तो सुंदर ही है। श्याम सुंदर कब कहते हैं? लक्ष्मी नारायण तो उनका परिपक्व अवस्था का चित्र है। जब पुरुषार्थी जीवन है उस समय उनको कहेंगे श्याम सुंदर। संगम युगी तो लक्ष्मी नारायण भी है, परंतु उनको भी श्याम सुंदर नहीं कहेंगे। पहले जब पुरुषार्थी जीवन होता है तो कहेंगे श्याम सुंदर। इन्हें छोटे बच्चे को पकड़ लिया है, अब सतयुग के बच्चे की तो बात नहीं, इनको भील भी बनाया है। गैया चराने वाला बाप अपना बतलाते हैं। गैया तो क्या, गधे और बकरियां भी चराई। ये सारा खेल है, और ये बड़े मजे का खेल है। खेल को देखते बड़ा हर्षित होना चाहिए। मनुष्य खेल देखते हैं तो हंसते भी हैं, फिर रोते भी हैं। तो इस बेहद के खेल को भी समझना है। मनुष्य हैं सभी इस खेल के एक्टर्स, परंतु सभी मनुष्य जंगली बने पड़े। ड्रामा के आदि मध्यम तो को जानते ही नहीं तो कहेंगे जंगली। एक दो को कांटा ही लगाते रहते, जंगल में कांटे ही तो होते हैं ना। अभी बाप आर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है, इनको जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये सभी धंधा अभी छोड़ दो, इससे मिलता तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो लोग कहते हैं शराब पीना बंद करो, भगवान के कहते हैं ये बिख पीना बंद करो, अभी पवित्र बनो। ये तो सभी का बाप है। बच्चों को कहते हैं तुम काम चिच्चा पर चढ़ने से काले आयरन एज बन पड़े हो, अभी ज्ञान चिच्चा पर बैठो। एक जन्म में अगर पवित्र बनोगे तो 21 जन्म पवित्र बन जाओगे। वहां कब ख्याल भी नहीं आएगा कि हम 21 जन्मों के लिए पवित्र बने हैं। है वो पवित्र दुनिया, अब ये अपवित्र दुनिया तो विनाश होनी है। मनुष्य इतने लाख लाख रुपए कमाते हैं, परंतु उनके बच्चे कोई भी वारिसदार नहीं बन सकेंगे। सभी की मिल्कियत
इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। क्या इस ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकलने वाली है। मनुष्य अज्ञान काल में दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है, हॉस्पिटल बनाते हैं, दूसरे जन्म में अच्छी हेल्थ मिल जाती है। तो जरूर अच्छे कर्म किए हैं जिसका अच्छा फल मिलता है, सो भी एक जन्म के लिए मिलता है, क्योंकि वहां भी गरीबों को पैसे दान आदि करते हैं तो दूसरे जन्म में पैसे मिल जाते हैं। परंतु फिर भी पैर वाले भी बीमार तो पड़ते हैं ना, बाकी अल्पकाल के लिए धन मिल जाता है। अभी बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं, जिस रथ में हमने प्रवेश किया है उसने भी देखो क्या किया, करण करावनहार है ना। अभी तुम कह सकते हो बाबा करणहार है या करावनहार है? करावनहार है। करण करावन करणहार ब्रह्मा के द्वारा, करावनहार अभी तुम कह सकते हो, बाबा ही कराते हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ी कराते हैं, न वहां कराते हैं न वहां प्रेरणा देते। सारा दिन बैठे बैठे प्रेरणा ही देते रहेंगे क्या? प्रेरणा का कोई दुकान निकाला है क्या? बाप तो यहाँ सन्मुख आकर कहते हैं मैं आकर के पढ़ाता हूँ, मैं कोई प्रेरणा आदि नहीं करता हूँ। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है, ये एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही गुरु है, वो हमारी पालना भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, पावनी भी बनाते हैं। नई दुनिया बन जाती है तो फिर हिसाब किताब चुप तू करा कर चले जाएंगे, बाकी यहाँ रहे थोड़े ही जाएंगे। पुरानी दुनिया में 500 करोड़ और नई दुनिया में होते ही बहुत थोड़े, हरेक चित्रों में ये बातें लगी हुई हो। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वो ही आकर के ये ज्ञान लेंगे। ये चक्र फिरता रहता है, फर्स्ट से लास्ट में जाता है, लास्ट वाला फिर फर्स्ट में आ जाता है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप कुछ पढ़ा हुआ है क्या? भगवान को माँ बाप टीचर आदि गुरु हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी भगवान को क्यों कहते हैं ज्ञान का सागर पतित पावन? कहते हैं भगवान ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, वो सभी उनकी भक्ति है। सार सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा है? नहीं सुनाते हैं, समझाते नहीं। हाँ सुनाया तो, लेकिन समझने वाले ने समझा नहीं, समझाने वाले ने समझाया नहीं। तो वेदों का सार सुनाया उससे फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान मार्ग में होती है समझ और भक्ति मार्ग में होती है अंधश्रद्धा, वो सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अभी बाप बैठ उनका सार समझाते हैं। वो बाप तो कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, जब पढ़ा हुआ ही नहीं है तो उनका गुरु कहां से आएगा? अभी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको वर्षा तो मिलेगा ही। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।